हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये देखिए, मेरी फेवरेट स्टार अपनी अवधि भाषा की संध्या पंडित, इनसे मेरी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम लाइव से बात हुई थी। तो इनका एक न्यू सॉन्ग आया हुआ है, हद में रहा न नदिया, बहुत ही अच्छा सॉन्ग आया है। आप लोग देखिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और दुलार दीजिए, अपनी अवधी भाषा को आगे बढ़ाइए। और बगल में मेरे हैं मेरी श्वेता दीदी एंड मेरी उत्कर्ष उपाध्याय, इनकी आईडी है यूट्यूब की, और हम दोनों से बात हुआ था इनका। ये गाना शूट हुआ था हद में रहा न नदिया, तो वो लाइव आई थी तो हम दोनों से बात हुई थी, मेरी संध्या दीदी से। और मैं इनको बहुत पसंद करती हूँ, इनका सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप सब भी जाके देखिए, आप सबकी भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इनका सॉन्ग ही बहुत प्यारा रहता है, सभी सॉन्ग। क्योंकि ये सॉन्ग जो गाती हैं ना, अपनी अवधि भाषा में गाती हैं, और वो गाना सुनकर आपको ना बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इनकी, और मैं इनका हर एक गाना सुनती भी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। हर गाना मैं इनका देखती हूँ, हर गाना सुनती हूँ, और इनसे मेरी बात भी हो जाती है कभी कभी, यहाँ इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम लाइव से। और बहुत ही जल्द मैं इनसे मिलने के लिए भी जाऊँगी इनके घर, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं इनसे मिलूँ। मुझे बहुत प्यारी लगती हैं और बहुत अच्छी इंसान भी हैं, एक पैसे का भी अहम नहीं है इनके अंदर, इतनी अच्छी हैं। सिंगिंग करती हैं, इतना अच्छा गाना गाती हैं। और ये भी संध्या दीदी भी और इनके हस्बैंड भी अनुराग भैया भी, वो भी बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं। दोनों लोग अपना एक साथ में मिलकर गाते हैं और बहुत अच्छा ही सिंगिंग करते हैं दोनों लोग। तो आप लोग इनका न्यू सॉन्ग जो आया हुआ है, किस किस ने देखा है वो लोग कमेंट करके बताना, जिसने नहीं देखा है वो जाके देखें। हद में रहा न नदिया अनुराग पंडित ऑफिशियल चैनल पे आया है उनका ये वाला गाना, आप लोग देखना ज़रूर, ठीक है? और कैसे हो आप लोग? प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरा एक साल पूरा होने को है और वॉच टाइम कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, कैसे होगा कुछ पता नहीं है। कल तो हमारी कई एक सरोज दीदी है, वो आई थी, वो बोल रही थी मुझे तो ये वॉच टाइम ना माउंटेन एवरेस्ट की चोटी लग रहा है, इतना ऊंचा है। और हमारे दिलीप भैया भी बोल रहे थे, उनका तो वॉच टाइम पूरा है लेकिन बस सब्सक्राइबर नहीं हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ सभी लोग अपना अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए और देते रहिए, जिससे हम लोगों का चैनल जल्दी से जल्दी मोनो हो जाए। और हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए अच्छा सा अच्छा वीडियो लाने के लिए। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, मुझे उनका ये वीडियो संजो के रखना था, क्योंकि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उनका ये वीडियो बनाई थी। और मैं सोच रही थी, काफ़ी दिन, कई दिन हो गया बना के रखी थी, लेकिन मैं सोची आज यूट्यूब पे डाल देती हूँ उनका ये वाला वीडियो मैं, इसलिए आप लोग बताइए कैसे हैं, अपना अपना हाल समाचार बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, और मिलिएगा ज़रूर, ठीक है? मेरी वीडियो को देखिएगा ज़रूर, फुल वॉच के साथ देखिएगा प्लीज़। आप सभी से निवेदन है कि मेरा वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिएगा, जिससे क्या कहते हैं, अगर आप फुल वॉच नहीं करते हैं ना तो वॉच टाइम नहीं मिल पाता है, अगर आप पूरा वीडियो फुल वॉच करेंगे तो वॉच टाइम उससे मिलता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग मेरा वीडियो फुल वॉच कीजिए, मैं भी जो मुझे सपोर्ट करता है मैं उनका भी सपोर्ट करती हूँ, उनका पूरा फुल वीडियो देखती हूँ, पूरा फुल वीडियो का फुल वॉच करके ही देखती हूँ। तो प्लीज़ आप सभी से आग्रह है कि आप लोग भी मेरा वीडियो फुल वॉच के साथ ही देखें, और बताइएगा कैसी लगी हम लोगों की बातचीत। आप वॉइस तो नहीं आ रही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे बहुत खुशी मिली थी, आप ये खुशी मेरे चेहरे पे देख सकते हो कि मैं कितनी खुश थी।
उनसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये बात मेरी उनसे 12 मार्च को हुई थी, मेरे बाबू का बर्थडे था उसी दिन, उनसे मेरी बात भी हो गई थी। तो मैंने कहा कि दीदी मैं वीडियो बना लेती हूँ, उन्होंने कहा ठीक है बना लो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बना ली थी और आज मैं आप सभी के बीच शेयर कर रही हूँ अपना ये वीडियो। आप लोग प्लीज़ देखना ज़रूर, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शुभ प्रभात, प्रणाम।